हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप से एक कप हरी मूंग दाल ली है। दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो दाल अच्छे से भीग चुकी है। मैंने छिलके वाली दाल का यूज़ किया है, आप चाहें तो बिना छिलके वाली दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दाल को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। तीन लहसुन की कलियां डालेंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, 2 चम्मच दही डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। जार का ढक्कन लगाकर इसका हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो दाल को पीसकर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो पेस्ट को मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब मेजरिंग कप से इसमें हम 1 कप सूजी डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच दरदरा कूटा हुआ खड़ा हरा धनिया डाल देंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डालेंगे। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो ही हम डालेंगे, नहीं तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स करके डो की तरह तैयार कर लिया है। अब 10 मिनट के लिए इसे हम कवर करके छोड़ेंगे। ये मैंने एक जाली वाली प्लेट ली है, तो इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे। डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। हमने इसमें सूजी डाली थी तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, तो इसे गोल करते हुए बॉल की तरह तैयार कर लेंगे। आप इसे अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं, इसे आप टिकिया की तरह भी बना सकते हैं। तो बॉल को हमें जाली वाली प्लेट पर रखना है। तो मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है और जाली वाली प्लेट पर सभी को रख लिया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने कढ़ाई में पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा था, पानी भी गर्म होने लगा है। अब हम जाली वाली प्लेट को कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और इसे हम ढक्कन की हेल्प से कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसे हम स्टीम होने के लिए छोड़ेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे। तो जो बॉल्स हैं वो भी अच्छे से स्टीम हो गई हैं, तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारी बॉल्स मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। अब गैस पर मैंने एक पैन रखा है, पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं, तेल भी गर्म होने लगा है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच राई डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं दाने भी तड़कने लगे हैं। तो तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो बॉल्स रेडी की है उसे हम तड़के में डालेंगे। तो सभी को मिक्स कर लेते हैं। बॉल्स को हम तड़के में सेलो फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मूंग दाल और सूजी का ये नाश्ता बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी लगता है और एक नए टेस्ट का मज़ा मिलेगा।
सारी बॉल्स को मैंने सेलो फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हरी मूंग दाल और सूजी का ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।